मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं सौरभ भारद्वाज। मैं गोपाल राय। मैं कैलाश गहलोत। दिल्ली में अब आतिशी सरकार, जी हाँ, आतिशी नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। आज उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। देखा जाए तो 4 पुराने चेहरे हैं उनके कैबिनेट में, 1 चेहरा नया है, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन को फिर से कैबिनेट में जगह मिली है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि टीम नई है लेकिन चेहरे पुराने हैं। इसका एक मैसेज ये भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी इस नई सरकार के मुखिया भले ही आतिशी हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। इस कैबिनेट में जो एक नया चेहरा हमें देखने को मिला है, उनका नाम है मुकेश अहलावत। उन्हें दलित कोटे से इस बार कैबिनेट में शामिल करने की बात सामने आई है। उनके जरिए आतिशी सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को साधना चाहती है। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका, जो कि बहुत दलित बाहुल्य माना जाता है, यहाँ पर विधानसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर 3 तो दलित समाज के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 10 में से 9 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से उसे झटका लगा था। वो 10 में से सिर्फ 1 सीट पर ही लीड करती हुई नजर आई थी। इस वजह से अब दलितों को साधने के लिए अहलावत को मंत्री बनाया गया है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। दलितों को साधने के लिए अहलावत कार्ड खेला गया है। बहरहाल नई कैबिनेट को देखकर मुझे पता लगता है कि पार्टी का ये साफ संदेश है कि चेहरा अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं, सीएम भले ही कोई बन जाए, चुनाव में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही वोट मांगे जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली में डमी सरकार चलने वाली है, जहां पर कहने को तो सीएम आतिशी रहेंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में रहेगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, आतिशी के नए कैबिनेट पर आप क्या सोचते हैं, कैबिनेट में जो चेहरे हैं उन पर आप क्या सोचते हैं, और जो भाजपा आरोप लगा रही है कि एक डमी सरकार होगी, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।